आदरणीय शिक्षकगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं गुलशन सिंह कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल कोड है 112। मैंने हिंदी भाषण स्पर्धा के लेजेंड वर्ग से भाग लिया है। मेरे भाषण का विषय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 1997 में भारत के एक महान वैज्ञानिक और राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। यह व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें आज हम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अपनी अनोखी योजनाओं और उत्कृष्ट कामों के कारण भारतवासियों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। डॉक्टर कलाम ने भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने भारतीय रक्षा को एक सशक्त और सुरक्षित रूप में बनाने के लिए अपनी अनगिनत योजनाओं को आगे बढ़ाया। डॉक्टर कलाम की सबसे अद्भुत योजनाओं में से एक थी पृथ्वी मिसाइल की उत्कृष्टता की योजना। इसमें उन्होंने भारतीय सेना को एक प्रभावी और ताकतवर मिसाइल प्रणाली प्रदान की, जिससे भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद की जा सके। डॉक्टर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी अग्रणी बनाया। उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से भारत को अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराने में सहायता की। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे महत्वपूर्ण उपग्रहों की योजना की, जिससे भारत अंतरिक्ष में अपने पैर जमा सका। डॉक्टर कलाम की अनोखी वैज्ञानिक योजनाएं और उत्कृष्ट काम ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया। उन्होंने 1990 में पद्म विभूषण तथा 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान को सम्मानित करता है और उनकी महानता को मानता है। धन्यवाद।